प्लास्टिक वैसे तो प्रकृति का दुश्मन है, पर्यावरण को इससे तगड़ा नुकसान होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके उपयोग से घर में अशांति और धन धान्य की भी हानि होती है। ज्योतिषियों और वास्तुशास्त्र के मुताबिक रसोई में भूलकर भी प्लास्टिक का बर्तन या सामान नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। वास्तु के अनुसार लोग रसोई तो बनवाते हैं, लेकिन रसोई के भीतर क्या रखना है या क्या नहीं, इस पर भूल कर जाते हैं। महिलाएं अक्सर रसोई को सुंदर सजाने के लिए आजकल प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग करते हैं, लेकिन इनसे बचने की जरूरत है। स्टील या लोहे के बर्तन का भी उपयोग कम करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय तांबा या कांसे के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो चांदी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही समय में स्वास्थ्य पर इसका तुरंत असर दिखेगा। इतना ही नहीं, घर में क्लेश या कोई बाधा नहीं आएगी, बिगड़े काम बनने लगेंगे, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। पीतल के बर्तन में भोजन करना और कांसे में पानी पीना अत्यंत लाभकारी होगा। एक तांबे का घड़ा जरूर रखना चाहिए। स्टील एक मिश्रित धातु है, इस बर्तन का उपयोग किया जा सकता है। दिवाली पर रसोई घर में रंग रोगन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। रसोई में 5 बातों का पालन करना चाहिए। एक स्टैंड रखें जिसमें मौसमी के फलों को जरूर रखना चाहिए। सफाई का ध्यान रखना चाहिए, कीड़े मकोड़े या चूहे न आने दें। भोजन देते या खिलाते समय थाली एक हाथ से ना पकड़ें। रसोई में जूठन कभी ना रखें। जमीन में बैठकर भोजन करें। रसोई को गीला ना रखें और नल से पानी नहीं टपकने देना चाहिए।